नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले हैं सन 2013 2013 का जेई एडवांस का पेपर, पेपर वन, कोड नंबर 3। ठीक है, हमारे पास कोड नंबर 3 का पेपर है। देखिए, इसमें दो तरह के सवाल है, एक ओनली वन करेक्ट टाइप का है, इसमें 10 सवाल है, और फिर जो है इसके बाद दूसरा सेक्शन है मोर देन वन करेक्ट वाला, इसमें आपके पास 5 सवाल है, देन आपके पास इंटीजर टाइप के 5 सवाल है। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पार्टिकल जो है इसको प्रोजेक्ट किया गया है, एक पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ यू नॉट, मतलब इसको यू नॉट रफ्तार से मास एम के पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है। एंगल जो है वो इसका अल्फा दिया हुआ है आपको, एंगल आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी इट मेक्स ए कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे एक और दूसरे पार्टिकल से ये टकरा रहा है, विच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड ऑफ यू नॉट। इसको कितना रफ्तार दिया गया था, इसको यू नॉट दिया गया था। द एंगल दैट द कंपोजिट सिस्टम मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी रफ्तार क्या होगी, इनका इसकी रफ्तार होगी यू नॉट कोस अल्फा, और ये वाली जो हाइट की बात करें, एच मैक्सिमम की बात करें, तो ये हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर बाई 2g, यानी यू कौन सा वाला, यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g है, तो ये आपका एच मैक्स आ गया है। अब आप ध्यान से देखिए ये वाले पार्टिकल की यहाँ जाते जाते क्या रफ्तार हो जाएगी, क्या यूज करिएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए आपका क्या है डाउनवर्ड है और उसकी वैल्यू क्या है जी है। ये ना यूज करके हम ये भी यूज कर सकते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यानी कि यू नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh है, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका u0 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u0 1 माइनस साइन स्क्वायर इज बेसिकली cos स्क्वायर अल्फा, और ये आपका v आ जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है आपके पास u0 cos अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए तो ये जब टकरा रहा, इसका मास m है, इसका मास भी m है ना, तो इसका मोमेंटम क्या रहा होगा, m इंटू u0 cos अल्फा है, m है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, है कि नहीं यार, दोनों में m इंटू ये लीनियर वाला और m इंटू वर्टिकल वाला, मोमेंटम सेम है, तो टक्कर के बाद में ये जो मास होगा टोटल इसी डायरेक्शन में भागेगा, ये और ये सेम है, तो ये एंगल आपका क्या आ गया है 45 आ गया है ना। हाँ ठीक है, तो आपको एंगल ही तो निकालना था, एंगल ऑफ कंपोजिट सिस्टम द हॉरिजॉन्टल जो है, ठीक है भाई साहब, है ना, आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो इसका मास m है, m है, तो ये 2m जो है वो इधर की तरफ भागेगा और ये एंगल आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ क्या है, सवाल नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर टू है, एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिहाइंड द लेंस। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी इधर की तरफ बन रही है, मतलब बी की वैल्यू आपको 8 मीटर दी हुई है, ठीक है, रियल है, अच्छा, इसका मतलब इन्वर्टेड बनी होगी, इज 1/3 ऑफ द साइज है, इसका मतलब एम की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -1/3 दी हुई, क्योंकि सवाल में आपको बोला गया है कि भाई साहब रियल है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस वी बाई एफ भी लिख सकते हैं, है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू हो गया, उसको अपन रिप्लेस कर दिया एफ की टर्म में, तो एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ है। तो अगर आप ध्यान से देखें वी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए 8, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा, तो सॉल्व करने पर एफ की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। और दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन है, वेवलेंथ के बारे में बोल रहा है,
कि भाई यहां पे अगर लेमडा है तो यहां पे लेमडा डैश आ रहा है और उसका जो रेशियो दिया हुआ है लेमडा डैश बाई लेमडा का रेशियो आपको 2/3 दिया हुआ है ना। तो आप क्या जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी सेम रहती है तो सी बाई लेमडा होती है ना, एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। यहां से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई एफ हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी और मतलब ये आपका वी 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 बाई लेमडा और वी क्या होगा वो सी बाई म्यू हो जाएगा, है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें ध्यान से देखें तो क्या होगा, लेमडा का ये रेशियो कितना दिया हुआ 2/3 दिया हुआ है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, लेमडा आपका क्या है 1/c और f तो कांस्टेंट हो गए तो 1/μ है, तो यहां से म्यू की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि लेमडा इज 1/μ आ गया आपके लिए। तो ये रेशियो लेमडा बाई टू है, तो ये बेसिकली 1, ये इसका मतलब क्या रहा होगा, ये बेसिकली 1/μ की वैल्यू रही होगी है ना, क्योंकि लेमडा डैश म्यू वाले में है और लेमडा 1 वाले में, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू यहां से क्या आ गई है, म्यू की वैल्यू आपके लिए सॉल्व करके 3/2 आ गई, म्यू की वैल्यू आपके लिए 3/2 आ गई। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा ये लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो f की वैल्यू आपके लिए 6 आई हुई है, f की वैल्यू 6 है और म्यू की वैल्यू 3/2 माइनस 1 है, प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एक का अपन r ले लेते हैं और दूसरे वाले की इंफिनिटी हो गई है, तो सॉल्व करिएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, r की वैल्यू 3 मीटर मिल रही होगी। देख लीजिए आप 3 मीटर कौन से ऑप्शन में, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सेकेंड वाला सवाल हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। 3 बहुत ही सस्ता सवाल है, कैसे, सवाल 3 में आपको मतलब एक मैन स्केल डिवीजन आपको 0.05 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर दिया है, और अगर आप वर्नियर स्केल डिवीजन की बात करें तो आपको सवाल में बोल रहा है कि जो 50 डिवीजन है किसके, वर्नियर स्केल के, वो 2.45 के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 2.45 डिवाइडेड बाई 50 है, तो ये वैल्यू आपकी 0.049 सेंटीमीटर आ रही है। लीस्ट काउंट क्या होगा, मैंने कहा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो इसको घटा के देख लीजिए ये वैल्यू आ रही है 0.001 है। अब आप ध्यान से देखें तो जो डायमीटर है, डायमीटर इसकी रीडिंग क्या होगी, मैंने कहा मैन स्केल की रीडिंग आपको 5.10 दी हुई है, लिस्ट काउंट है 0.01 और कौन सा वाला मैच हो रहा है, 24th वाला मैच हो रहा है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए ये वैल्यू आ रही है 5.124 सेंटीमीटर, 5.124 सेंटीमीटर है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा। तो थर्ड का आंसर आपका आ जाएगा, डायमीटर जो है वो बी में आ जाएगा 5.124 है। तो एक सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 में अगर आपने एक बार साबित कर दिया ना कि ये कंजर्वेटिव फोर्स, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से देखें सवाल नंबर 4 में, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि फोर्स है k इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप प्लस y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 जे कैप है भी नहीं है, इतना फोर्स है आपके पास। k तो कुछ भी कांस्टेंट है और पार्टिकल को कहां से कहां तक लेके गए, पार्टिकल को लेके गए a.0 से लेके 0.a के अलावा है ना, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा कि आपके आप ये इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, इसको अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और इसको अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, है कि नहीं है, तो ये x dx आएगा और ये y dy आएगा, x आपका मतलब दोनों से इंटीग्रेशन सेम आ रहा है। अगर आप इस वाले कार्यक्रम को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी dfx / dy और ये dfy, यानी ये वाले पार्ट को मैं fy बोल रहा हूं और ये वाले को fx, इसको dx करें,
या फिर इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ये सेम आ रहा है। इससे क्या साबित होता है कि ये वाला फोर्स कैसा है, ये वाला फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर आप ध्यान से देखें, पूछा है सवाल में कि पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए कॉमा जीरो टू द पॉइंट जीरो अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब आप वर्क डन निकालने जाएंगे तो क्या करिएगा? इंटीग्रेशन करिएगा, करिएगा कि नहीं करिएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी भाई साहब। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर होगी, तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर होगी, ए कट जाएगा तो ए की पावर थ्री आपका बचेगा, उसके बाहर आ जाएगा। तो ये वर्क डन जो आपके पास बचने वाला है वो है भाई साहब जीरो से ए एक्स डी एक्स प्लस, सिमिलरली अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो के डिवाइडेड बाई ए क्यू बार आ जाएगा वाई डी वाई, और लिमिट लगाएंगे तो जीरो से ए आ जाएगी आपके लिए, है कि नहीं है? है ना, के डिवाइडेड बाई ए क्यू बार आ गया। ये कब आया जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ डालिएगा तो टू से टू कट गया, ए क्यूब रहा तो के ए क्यूब बाहर आ गया, अंदर की तरफ क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ पे वाई बचेगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा जीरो से ए तक और वाई का जीरो से ए तक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और ये दोनों का इंटीग्रेशन मतलब ये आपका ए माइनस जीरो आएगा और ये आपका जीरो माइनस ए आएगा, तो ये खेला आपके लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क डन, वर्क डन जीरो हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर फोर के। जीरो आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा? जीरो आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। सवाल नंबर फोर के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर फाइव पे। ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर फाइव। सवाल नंबर फाइव में अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कार्यक्रम, एक सिलेंडर है, से एक और सिलेंडर यहां पे कनेक्टेड है, ये वाली लेंथ आपके लिए 2L है, रेडियस आपके पास 2R है, लेंथ L है और रेडियस R है, यहां पे फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, और यहां पे फोर्स आपके लिए F लग रहा है। अब आपको क्या निकालना है, मैंने कहा ये सीरीज में लगे हुए हैं तो भाई रीस्टोरिंग फोर्स तो सेम हो जाएगा, तो निकालना क्या है आपको, डेल्टा एल निकालना है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो अब आप जानते हैं कि भाई साहब एफ बाई ए, एफ री स्टोरिंग डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बटा एल है, ये वैल्यू यंग्स मॉडुलस के बराबर आती है, तो डेल्टा एल की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एफ री स्टोरिंग, एफ री स्टोरिंग इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, री स्टोरिंग सेम होगा, काहे को कि ये सीरीज में है री स्टोरिंग, और ये क्या यंग्स मॉडुलस है, वो आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2R वेल्डेड एंड अनदर कॉपर वायर, तो यंग्स मॉडुलस सेम हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एल बाई ए के, ए कौन सा वाला, पाई आर स्क्वायर, पाई भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो एल बाई आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, मान लो कि ये डेल्टा एल वन बाई डेल्टा एल टू है, इस वाले को एल वन बोल दीजिए, इस वाले को एल टू बोल दीजिए, तो आपके पास क्या होगा, ये L1 है ना, L1 बाई, क्योंकि ये L1 बाई L2 आ जाएगा, और रेडियस में अगर आप देखेंगे तो R2 बाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो L1 कितना है हमारे लिए 2L है, और L2 की कितना है L है, रेडियस वाइज देखा जाए तो रेडियस ऑफ 2 लेंगे, यानी 2 का R हो गया है डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 2, और ये आ रही 1 बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 है, तो ये 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 आपको 0.5 होगा, और ये 0.5 आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा, ऑप्शन बी में दिखाई देगा, आप बी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये था सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 देखिए क्या है, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 ऐसा है कि एक, अच्छा आपको ये आई इंसिडेंट रे दिया है, रिफ्लेक्टेड रे दिया है, मान लीजिए कि ये वाला एंगल क्या है आपका आई है, और ये वाला एंगल क्या है आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेविएशन हो जाएगा।
और इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई, पाई माइनस टू आई जो है वो डेविएशन है और वो किसके बीच में है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है डेल्टा। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, इनका इसको और इसको दोनों का डॉट लेंगे तो डॉट इंटू टू ए कॉस थीटा कर दीजिए, थीटा उनके बीच का एंगल है, डेल्टा आ जाएगा। तो अगर मुझे कॉस डेल्टा चाहिए तो मैं इन दोनों का डॉट ले लूंगा, ये कौन है, वन प्लस रूट थ्री वन आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप का डॉट किसके साथ लेना है, आई माइनस थ्री जे कैप के साथ, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड टू आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी टू आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से ये वैल्यू माइनस वन बाई टू आ रही है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या है, 120 डिग्री है, कितनी 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो इसका मतलब 2i की वैल्यू 60 रही होगी और i की वैल्यू क्या रही होगी, 30 डिग्री रही होगी। अरे है कि नहीं यार, 30 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा आपको, ऑप्शन ए में दिखाई देगा, 6 का कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 7 वाले सवाल पे। सवाल नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंफिग्रेशन है जिसमें ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसका के के है और इसका के के क्या है, 2k है ना। अच्छा अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कंफिग्रेशन 1 है और दूसरा वाला कंफिग्रेशन क्या है, यहाँ पे k रखा हुआ है और इसके ऊपर और क्या रखा हुआ है, 2k रखा हुआ, इस तरह का कंफिग्रेशन है ना। तो अगर अपन आर इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर करना है दोनों में, है ना, है कि नहीं यार। तो हीट की ट्रांसफर की रेट में टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, भाई हीट के ट्रांसफर करने की रेट क्या है, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं यार, है ना, है ना, ये आपकी रेट है तो इंटू टी कर देंगे तो उतना ही मतलब जो है आपको क्या निकालना है भाई, इस रेट से जा रहा है इंटू टी कर दीजिए तो उतना नंबर ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करनी है, मतलब उतना एनर्जी करना है ना। तो अगर आप पहले वाले केस में देखेंगे तो ये क्या है, दोनों ही रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सीरीज में, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वो अगर आप ध्यान से देखें, मतलब 1/ कहां सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट ही हो गया L बाई के, एल की वैल्यू एल है और के की वैल्यू के ए है, दूसरे वाले में एल डिवाइडेड बाई 2k इंटू ए है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3L अपॉन 2KA, है ना, ये वाला केस हो गया। सिमिलरली अगर दूसरा वाला केस लेंगे तो वो दोनों पैरेलल में है ना, R1 हो जाएगा R2 हो जाएगा, दोनों पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू L अपॉन 3KA आ गया है। अब आप ध्यान से देखिए तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं Q, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इनटू TA। अब आपको सवाल बोल रहा है कि भैया सेम हीट सप्लाई की गई है, T1 माइनस T2 सेम है, सेम हीट सप्लाई की गई, हमको लगता है जो टाइम लगेगा ये R इक्विवेलेंट को इधर ले आइए, R इक्विवेलेंट को इधर ले आइए, ये भी सेम, ये भी सेम, इसका मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट। अब अगर मुझे T2 बाई T1 चाहिए, T2 बाई T1 चाहिए तो दैट मस्ट बी इक्वल टू R2 बाई R1 है, क्या मेरे पास R2 पता है, क्या मेरे पास R1 पता है, R2 is L upon 3KA और R1 की वैल्यू कितनी है, वो है 3L upon 2KA upon 2KA, तो यहां से KA की वैल्यू KA से कैंसिल आउट हो जाएगी, L से L गायब हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। T2 by T1 की वैल्यू आपके लिए 2/3, सॉरी T2 by T1 R2 by 3K, सही है ना कैलकुलेशन, R equivalent is basically L upon 3K, okay. और यहां पे था आपके लिए 3L upon 2K, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया क्या, अच्छा T2 by पूछा क्या गया है भाई साहब, अच्छी तो T2 by T1 आ गया है ना, तो आपको एक दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको, T1 जो है हमको लग रहा है पहले वाले केस में the time transport same amount of heat in configuration, T1 आपको कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड दिया हुआ है, तो भैया T2 ये आपका 9 हो गया, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 9 आ गया, 2/9 है, T2 अगर आपको चाहिए होगा तो 2/9 इंटू T1 कर देंगे, तो ये 2/9 और T1 की वैल्यू है 9, तो क्या क्या टाइम आ गया है, 2 सेकंड आपके लिए आंसर आ जाएगा, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
दो सेकेंड आ जाएगी, मतलब कितना टाइम लगेगा सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर उसमें 9 सेकेंड लग रहा है तो इसमें 2 सेकेंड लगेगा। चंपक टाइप का सवाल था, सातवां। आइए आगे बढ़े सवाल नंबर 8 पे। चलिए भाई सब ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में एक पल्स ऑफ लाइट है जिसका ड्यूरेशन इतना है। अच्छा कितना है, 100 नैनो सेकेंड है। अब्सॉर्ब कंप्लीटली बाय ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। पावर ऑफ द पल्स कितना दिया हुआ है, 30 मिली वॉट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मिली वॉट है। 30 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड है। अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना एनर्जी इसने लिया होगा, है कि नहीं यार। अच्छा तो अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट बाई इनिशियली पावर ऑफ द पल्स इज दिस विद स्पीड ऑफ दिस, 100 नैनो सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना, 100 नैनो सेकेंड, यानी इतना एनर्जी जो है अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना एनर्जी यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि आपका क्या आ जाएगा, 2 खा जाएगा ये तो, और 3, तो 3 से ये कट गया, 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ जूल एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब लीनियर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं, है कि नहीं है, है ना। हाँ कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी होगी आपके पास एम सी स्क्वायर, और सी से सी कट गया तो एम इंटू सी से आपका क्या आ गया, लीनियर मोमेंटम आ गया है। तो ई की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁹ और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1 × 10⁻¹⁷ kg/s से आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। मतलब सस्ता सवाल था, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हुए एनर्जी आ जाती है और एनर्जी से आपको लीनियर मोमेंटम आ जाता। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखते हैं सवाल नंबर 9 वाला, देखिए जरा सवाल नंबर 9 में आपको वेरीफाई करना, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ लैम्डा है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटेंसिटी जो है अपन जानते हैं कि आई इज इक्वल टू 4I0 cos² डेल्टा 5/2 आता है, और ये बोल रहा है कि वो इंटेंसिटी मैक्सिमम का आता है 2I0। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से कोस डेल्टा 5/2 की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, 1/2 का रूट आ गया है, प्लस माइनस 1/√2 आ गया है। तो अगर एक एग्जांपल अपन cos डेल्टा 5/2 को π/4 ले लें तो यहां से डेल्टा मतलब जो है इसकी वैल्यू 1/√2 अगर ले लें तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा 5/2 की वैल्यू क्या आ गई है, π/4 आ गई, ये कट के 2 आ गया है। तो डेल्टा 5 की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए, π/2 आ गई, डेल्टा 5 की वैल्यू π/2 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें डेल्टा 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2π/λ, डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2π/λ × Δx दैट इज इक्वल टू λ/2 है। तो यहां से लेमडा से लेमडा कट गया है और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, λ/4 आ जाएगी। λ/4 आपको एक ऑप्शन आपका λ/4 आता हुआ दिखाई दे रहा। अब आप ध्यान से देखिए तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, जैसे λ/4 है, ऑप्शन को अगर आप वेरीफाई करेंगे, अगर आप ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू 0 डालेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको 2n+1 λ/4 दिखाई दे रहा होगा, एन को 0 डाल दीजिए। इस तरह से अगर आप ऑप्शन वेरीफाई करेंगे तो आपके लिए जो ऑप्शन है, बाकी सब में ऑड मल्टीपल ऑफ ये आ रहा है, तो बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन वेरीफाई करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये था सवाल नंबर 9। आइए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए जरा क्या है सवाल नंबर 10। टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मास इन 2:3 ए। अच्छा मतलब मास का रेशियो कितना है, Ma/Mb का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर यानी कि Pa/Pb का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, तो हम जानते हैं ना भाई साहब कि P क्या होता है, रो इज इक्वल टू Pm/rho इज इक्वल डी इज इक्वल टू क्या होता है, Pm/rt। तो आपको क्या किसका रेशियो निकालना है, आपको दिया हुआ है भाई साहब कि नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक गैस एटॉमिक मास एंड देयर पार्शियल प्रेशर, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 4:3, रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज, टेम्परेचर सेम है मतलब, तो टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/m। तो अगर मुझे dA/dB करना होगा
तो PAMA मस्ट बी इक्वल टू PBMB, PA और PB का रेशियो 4:3 दिया हुआ है और इसका रेशियो आपको 2:3 दिया हुआ, तो ये वैल्यू 8:9 आ जाएगी। तो OA बाई OB का ये रेशियो 8:9 आ रहा है, और ऐसा अगर आप देखिएगा तो आपको ऑप्शन डी में आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से ये जो सेक्शन वन है जिसमें 10 सवाल थे इंटीजर टाइप मतलब सिंगल करेक्ट टाइप के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक्चुअली दो केस हमको कंसिडर करने हैं। एक केस में पी जो है वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक में पी डैश जीरो है। ये 2R वाला है, ये R वाला है। पी में तभी जीरो होगा जब डेंसिटी मतलब दोनों सेम टाइप के होंगे, और पी डैश में तभी जीरो होगा जब एक को पॉजिटिव मान लीजिए एक को नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मान लीजिए। पहले पी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये वाले स्पेयर के लिए बार की तरफ है, K³r² कर देंगे K, और इसकी डेंसिटी मान लो कि रो 1 है मतलब चार्ज डेंसिटी इनटू 4/3πr³ करेंगे चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय ये वाले पॉइंट से ये r और r कितना हो गया 2r, तो 2r² अब इसके कारण इधर की तरफ होना चाहिए रो r/3ε₀ अंदर की तरफ, तो यही होता है तो रो 2 r/3ε₀ कैलकुलेट कर दीजिए। के को 1/4πε₀ कीजिए तो रो 1/√2 की वैल्यू 4 आ रही है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगी। अब ये वाले पॉइंट पे जीरो करना है तो ये पॉजिटिव होगा, इसको क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा, तो रेशियो ऑब्वियसली नेगेटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी बाहर है उसके लिए भी बाहर है, यानी K³r² दोनों के लिए लगाएंगे। K³1 की वैल्यू रो 1 * इसकी वॉल्यूम होगी डिवाइडेड बाय दूरी 2r है, स्क्वायर करेंगे 4r² हो गया। इसका K रो 2 * इसकी वॉल्यूम होगी 4r, इसका कितना दिया हुआ 2r दिया हुआ है, तो 2r का क्यूब हो गया, और इस वाले सेंटर से ये वाला 2r और ये r की कितना हो गया है 5r, तो 5r का स्क्वायर किया सॉल्व किया तो रो 1/√2 की वैल्यू आपको -32/25 दिखाई दे रही होगी। इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो बी और डी दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो कैलकुलेशन वाला सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 के बाद सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 को अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक इक्वेशन दी हुई है yx, t दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर साइन 62.8 x कोस 628 है कि नहीं है, इस तरह से दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दी है, 2a की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, और ओमेगा की वैल्यू क्या है ये है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, और साथ में बोला है कि फिफ्थ हार्मोनिक के दोनों साइड से बंद कितने लूप होंगे 1, 2, 3, 4 और 5 पांच लूप होंगे, और ये लंबाई आपको कितना दिया हुआ है एल दिया हुआ है, अब आप ध्यान से देखिएगा तो लेमडा कहां से मिल जाएगा, के दिया हुआ है 2π/λ की वैल्यू आपके लिए क्या होगी 62.8 होगी, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2π/62.8 है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से लेमडा की वैल्यू आपके लिए 3.14 डाल दीजिए, 1/10 आती हुई दिखाई देगी, और अगर आप यहां पे देखिएगा तो एल एल अगर आपको चाहिए तो क्या होगा 5λ/2 है, लेमडा की वैल्यू यहां से डाल देंगे तो 5 × 1/10 है और ये डिवाइड बाय 2 है, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके लिए 1/4 यहाँ पे आपके लिए एल निकल के आ जाएगा। और अगर आपको मिड पॉइंट के बारे में पूछे 1, 2, 3 मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2a के बराबर होगा क्योंकि ये एंटी नोड है 0.01 है। और अगर आपको क्या पूछा जाए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो अब आपको ध्यान से देखना होगा, लेमडा पता लग गया है और ओमेगा पता है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, मैंने कहा ω/k होगी, ओमेगा पता है k पता है दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा सौभाग्य से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक है 6.28 और एक है 6.28 और एक है 62.8 या 62.8 है और एक 628 है, ये 628 है, कौन अरे हाँ सही किया
628 डिवाइडेड बाय 62.8 ये वैल्यू आपके लिए कितनी आ जाएगी, ये आपके लिए 10 आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखिए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या हो जाएगी, मैंने कहा v बाय लैम्डा होता है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो ये ऐसे और ये ऐसे होगा, यानी कि लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू l हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l आ जाएगा। तो यहां से v इनटू डिवाइडेड बाय 2l कर दीजिए, v की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई, 10 आ गई है, 2 है, और l की वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो गया है। तो हमको लगता है कि यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके लिए, 20 हर्ट्ज जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सारी बातें हमने चेक कर ली है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन बी एंड सी यहां पे करेक्ट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा सवाल नंबर 12 में। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। तेरा सवाल नंबर 13 क्या है, यहाँ पे एक बैटरी है 2V0 की, C1 C2 लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं S1 S2 एंड S3 है। तो पहले क्या किया जा रहा है, स्विच S1 को क्लोज किया जा रहा है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आपका क्या आएगा, C इंटू V यानी कि 2C भाई, C इंटू 2V0 यानी कि 2CV0, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब अगर आप इस स्विच को क्लोज करेंगे, इस वाले स्विच को अगर आप क्लोज करेंगे तो C1 और C2 अब क्या हो गए हैं, C1 और C2 कनेक्टेड है, तो इसका एक कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल दिया V मान लीजिए, सॉल्व करेंगे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे V है, यहाँ का चार्ज हो जाएगा C2 इंटू V और यहाँ का हो जाएगा C1 इंटू V। तो इन दोनों प्लेट का पहले का चार्ज क्या है, Q और ये, और बाद वाले का क्या होगा, C1 प्लस C2 इंटू V है ना। तो ट्वाइस ऑफ C1V0 मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V, C1 प्लस C2 इंटू V, तो V कॉमन की वैल्यू C1 बाय C2 आ गई है। अगर V कॉमन आ गया है आपके पास तो अब आपको C2 पे चार्ज निकालना है, तो C2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए V कॉमन को, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, इतना चार्ज आ गया है। अगर आप अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सवाल में C1 और C2 को क्या बोला गया, सेम बोला गया, तो डाल दीजिए तो 2C2, तो CV0 का चार्ज आ रहा है, CV0 का चार्ज आने का मतलब यहाँ पे CV0 है और यहाँ पे माइनस CV0 है, लेकिन जैसे ही अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस CV0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस CV0, क्योंकि इसकी पोलैरिटी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0 है ना, हाँ तो चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0 है। अच्छा कहाँ भाई साहब, after some time the charge on the upper plate of C2 is basically equal to minus CV0, हाँ finally क्या हो जाएगा, minus CV0 आपको आता होगा दिखाई दे रहा होगा। तो C1 की अपर प्लेट पे क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए ये कॉमन पोटेंशियल आ गया है और इसको इंटू C1 कर दीजिए, इंटू अगर आप C1 कर देंगे V कॉमन को, यानी तो क्या हो जाएगा CC है ना, ये वाला C प्लस C क्या होगा 2C और ये 2C से 2C कट जाएगा, तो C और आपके पास मतलब C 2C कट गया, इंटू आप C करिएगा तो CV0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका B एंड D आपका करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, C1 का 2CV0 बोल रहा है, मतलब B सही होगा, ए गलत हो गया है, बोल रहा है C2 पे 0 है, तो गलत बात है, कुछ चार्ज तो है भाई साहब। तो 13 वाला सवाल यहाँ पे हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 14 क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q है मूविंग विद वेलोसिटी u that is equal to 4i cap enters a region of uniform magnetic field है, मतलब ऐसा है कि भैया है जो कैसे जा रहे हैं, वो आपके पास इधर की तरफ जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से जा रहे हैं, वो 4i cap से जा रहे हैं, 4i cap मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो ये ऐसे घूम रहे हैं, डर यहाँ पे आउट हो जा रहे हैं, और मतलब जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो रफ्तार है यहाँ पे दी हुई है वो कितनी दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, यहाँ पे रफ्तार है इसको दी हुई है 2i cap, मतलब i cap में दी हुई है आपको 2√3 और ये वाली आपको दी हुई है 2। तो भाई साहब अगर ये एंगल आपका थीटा होगा तो 10θ की वैल्यू हो जाएगी 2/2√3, यानी कि 2 से 2 कट गया, थीटा की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, थीटा की वैल्यू आ रही होगी यहां से
30 डिग्री यानी कि पाई बाय 6। इसका मतलब अगर आप सेंटर से कनेक्ट करके देख लीजिएगा तो ये वाला एंगल भी आपके लिए क्या होगा, थीटा होगा। काय को कि ये 90 हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है, थीटा हो गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो घुमा कितना है, मैंने कहा पाई बाय 6 से घुमा है और टाइम पीरियड क्या होता है इसका, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बटा एम कर दीजिए, यही आपका क्या है ओमेगा है, यही आपका क्या है ओमेगा है, बेसिकली क्यू बी बटा एम है, ओमेगा आपको दिया हुआ है। तो अगर आप पाई बाय 6 घूमिएगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी कर दीजिए, तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या है आपके लिए, क्यू बी बटा एम इनटू टी, क्यू बी बाय एम इनटू टी है। तो यहां से टी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए पाई एम अपॉन 6 क्यू बी, पाई एम अपॉन 6 क्यू बी, वो वाला वक्त होगा जितने टाइम ये अंदर रहा होगा। तो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में, माइनस जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, है कि नहीं यार, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो अगर आप ध्यान से देखें, टी की वैल्यू सवाल में दी हुई है, कितना रह रहा है, पार्टिकल इमर्ज ऑन द साइड आफ्टर 10 मिलीसेकंड है, यानी ये वैल्यू आपको दी हुई है 10 मिलीसेकंड, यानी कि 10 × −3 है, पाई एम अपॉन 6 क्यू, अननोन कौन हुआ, बी हुआ। अगर आप इस बी को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 50 पाई एम अपॉन 3 क्यू, 50 पाई एम अपॉन 3 क्यू, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रही है, मतलब थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। अब थर्ड सही हो गया है, फोर्थ गलत हो गया है, ठीक है, अरे ठीक है ना, मतलब इसको ले जाइए उधर, अननोन कौन हुआ, बी को इधर ले आइए, तो ये नीचे ले आइए, 10 यहाँ पे आ जाएगा और 10³ ऊपर चला जाएगा, तो ये 60 हो गया है, अरे ठीक है ना, तो कट पिट के आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा, 14 वाले का आंसर क्या है, ए एंड सी हो जाएगा, बी एंड डी गलत हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 पे, कौन से सवाल पे, सवाल नंबर 15 पे, ध्यान से, यहाँ पे दो सॉलिड स्फीयर है, उसको पानी में डुबो रखा है और एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये भाई साहब का डेंसिटी 2ρ है और इनका डेंसिटी ρρ है, वॉल्यूम इनकी V है। तो हमने ये मान लिया कि भाई साहब पूरे डूबे हुए हैं, पहले मान लिया, मतलब बायंसी जितनी जरूरत पड़ेगी हम वी मान लेते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, नीचे इस पे m1g लग रहा होगा, इस पे m2g लग रहा होगा, और उस वेट को बैलेंस कौन कर रहा होगा, बायंसी कर रहा होगा, रो इनटू वॉल्यूम का दिया तो m1 आ गया, और दूसरे वाले की इसकी जो डेंसिटी है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी डेंसिटी आपको सवाल में कितनी दी हुई है, ये आपको 3ρ दी हुई है, 3ρ इनटू 4π3πr³ करेंगे तो ये आपका सेकंड वाले का मास आ जाएगा, ये टोटल वेट आ गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू बायंसी के बराबर है। अब आप बायंसी की बात करेंगे तो कितनी आ जाएगी, मैंने कहा वो आएगी टोटल, मान लीजिए डूबी हुई वॉल्यूम वी है, इंटू 2ρ इंटू जी, सोल्व करने पे वी की वैल्यू आ रही 8π r³, अगर उसको देखे तो वो 4π3πr³ प्लस 4π3πr³ है, यानी दोनों का सम लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4π3πr³ इंटू 4π3πr³, मतलब इसका सम प्लस इसका सम आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों डूबे हुए हैं, तभी पॉसिबल है तभी इतनी वॉल्यूम डूबी रहे, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा, अगर स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, तो हमने इसका एफबीडी बना दिया, ऊपर kx लग रहा है, ऊपर बायंसी लग रहा है, इसका वॉल्यूम जो कि है 4π3πr³ इनटू 2ρ इनटू जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू m1g, m1 2ρ इनटू 4π3πr³ इनटू जी, सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आपके लिए ये आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में देखा जाएगा तो आपको नेट इलोंगेशन दिखाई दे रहा होगा, और जो बोल रहा है कि लाइट स्फीयर इज पार्शियली सबमर्स्ड, नहीं, दोनों स्फीयर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तो ऑप्शन ए और डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए एंड डी, ऑप्शन नंबर ए एंड डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि है सवाल नंबर 15। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16, 15 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16। सवाल 16 देखे तो बहुत ही सस्ता है, मतलब एक डिस्क है और वो ओमेगा 1 से घूम रही थी, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है यहाँ पे प्लेस कर दी है और बोल रहे हैं स्लाइड नहीं कर रही है, तो बताइए बाद का ओमेगा क्या होगा। अबे इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो क्या कंजर्व होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो I₁ ω₁ मस्ट बी इक्वल टू I₂ ω₂। पहले डिस्क था तो m r² / 2 आ गया, है कि नहीं यार, है ना।
और ओमेगा आपको इनिशियली 10 दिया हुआ, बाद में क्या होगा, मैंने कहा डिस्क का तो था ही सही, प्लस अगर आप रिंग का देखें तो ये एक्सिस की अमाउंट निकाल लीजिए प्लस एम डी स्क्वायर लगा दीजिएगा, है कि नहीं है। तो ये टेंजेंट की अमाउंट मतलब आई आ जाएगा, और तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो टोटल आपका आई आ जाएगा। अगर आप आई निकालेंगे टोटल तो ये वैल्यू जो आ रही है आपके लिए ओमेगा ट्यूब टू की सॉल्व करके वो 8 आ जाएगी। एक सस्ता सवाल था, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। दूसरा जो सवाल नंबर 17 है वो भी बहुत ही सस्ता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, मतलब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल के कर्व का मतलब स्लोप के बारे में जानकारी पूछी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एच एफ की वैल्यू आपके लिए क्या है, वो तो अपन जानते हैं कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी मैक्स माइनस फाइव कर दीजिए उधर लेके जाइए तो फाइव कर दीजिए यहाँ पे, और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है इसको अपन ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, फाइव क्या है भाई साहब, ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ई इंटू वी एस डिवाइडेड बाई एच प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एच आ जाएगा। तो अगर स्लोप की बात करेंगे किसकी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का कर्व, तो वो ई बटा एच आ रही, ई और एच का रेशियो आ रहा है, जो कि इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि वो सिल्वर है कि सोडियम है कि कोई सा भी है, तो दोनों का रेशियो लेंगे स्लोप का तो आपका सेम आएगा, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो बहुत ही सस्ता सवाल था, 17 वाले का वन आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्लोप है वो ई बाई एच आ रही, वो कॉन्स्टेंट है, वो मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ये 17 वाला सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 अगर आप पढ़ेंगे तो बॉब ऑफ मास एंड सस्पेंडेड फ्रॉम लेंथ L1 मिनिमम वेलोसिटी ऐसी दी कि भाई वो सर्कुलर कंप्लीट कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, दूसरे वाले का भी मास सेम ही है, लेंथ L2 है, बॉब द स्ट्रिंग का मास लेस द सेकंड बॉब जस्ट कंप्लीट द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फुल सर्कल इफ द सेकंड, हाँ ठीक है, देन द रेशियो ऑफ दिस। अगर आप ध्यान से देखें किसी आइटम को, अगर आप यहां से मान लो L1 है, यहां से सर्कुलर कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं कि नहीं है, तो भाई इतनी मिनिमम रफ्तार देगी जिससे यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ की रफ्तार सिर्फ रूट जी आर आ जाए, ये बात तो आप जानते ही हैं, रूट जी आर आ जाए, रूट जी आर यानी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी। और अगर यही आइटम जाके मास एम इस वाले मास एम से टकराएगा, किस मास से, दूसरे वाले मास एम से, तो अगर आप ध्यान से देखें दूसरा वाला मास भी मास एम ही है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन, मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी, ये लेंथ आपकी क्या है L2 है, ये लेंथ L2 है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये लेंथ L2 है और ये पूरा खेला जो है इधर की तरफ भागने लगेगा। मिनिमम रफ्तार यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रूट फाइव जी एल टू होनी चाहिए, उससे क्या होगा सर्कुलर कंप्लीट हो जाएगा, अपन तो जानते ही, इसका मतलब ये इसके बराबर होनी चाहिए, तो स्क्वायर कर दीजिए तो आपके L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी से जी कट जाएगा और ये 5L2 आ जाएगी। तो आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे सवाल में L1/L2 निकालना, L1/L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, L1/L2 का मतलब बहुत आसान है, पहले वाले के टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट जी एल आएगी और दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट 5 GL ताकि सेकंड वाला सर्कुलर कंप्लीट हो जाए, की वैल्यू 1 है, मास सेम दिया हुआ है तो वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये था सवाल नंबर 17 और 18 हो गया, ये भाई साहब कौन से थे, 18 थे, बहुत ही सस्ता था। आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट एंड लास्ट सवाल, सवाल नंबर 19 क्या है, जरा ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 19 में ये बोला गया है कि पार्टिकल है जिसका मास 0.2 है, वन डायमेंशन मोशन में चल रहा है और उसके उसको पावर जो लग रही है वो 0.5 है और इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0 है नहीं, मतलब इनिशियली उसकी स्पीड क्या थी, पार्टिकल की 0 स्पीड है और वो बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी 5 सेकेंड बाद में। तो भैया 0.5 जो है वो पावर दी हुई है आपको, 0.5 को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5 सेकेंड यानी कि इतना एनर्जी दिया गया होगा, वो कहाँ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ एम फाइनल मास कितना है इसका, 0.2 है, बाद में इसकी स्पीड मान लो वी हो गई है ना, इनिशियल की कितनी थी, 0 थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप ध्यान से देखें ये 2 से ये 5 मतलब पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 2 हो गया है, तो ये 25 स्क्वायर, हमको तो लगता है वी की वैल्यू आ रही है 5 मीटर
पर सेकेंड। तो एक बहुत ही सस्ता सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा सस्ता सवाल है। जो भी आपने पावर मतलब एनर्जी सप्लाई की है वो इसकी क्या बढ़ा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। अब आप ध्यान से देखिए सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 में आपको बोला गया है कि हाफ लाइफ 1386 है। हाफ लाइफ होती है एल एन डिवाइडेड बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू 1386। तो यहां से अगर आप लेमडा सोल्व करेंगे मतलब इसकी वैल्यू 0.93 डाल दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो लेमडा की वैल्यू 1/2000 मतलब ये आ रहा है आपके पास लेमडा। और आपको एक सवाल में इंफॉर्मेशन दी है कि एक्टिविटी जो है वो उसकी 10^3 है। एक्टिविटी क्या होती है, मैंने कहा ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन होगा, वो आपकी 10^3 है और लेमडा 1/2000 दिया हुआ है और एन की वैल्यू जो है यहां से आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर मोमेंट में, मान लीजिए एन नॉट है कि नहीं है, ये आपको बोला गया है भाई कि मतलब फेसलिफ्ट प्रिपेयर की बात कर रहा है तो एन नॉट इन टी इज इक्वल टू 0 पे बात कर रहा है तो एन नॉट ही मिलेगा। तो यहां से सॉल्व करने पे एन नॉट की वैल्यू आ गई 2 × 10^6 आ गया। तो अब आपके पास एन नॉट है, लेमडा है, तो किसी भी टाइम पे क्या रहेगा, एन रहेगा, एन की वैल्यू क्या होगी, n^(e^-λt) है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इतने बचे हुए होंगे तो डीके कितने हो गए होंगे, अगर आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने डीके हो गए, मैंने कहा इनिशियली एन नॉट थे, अब बचे हुए हैं n^(e^-λt) डिवाइडेड बाई एन नॉट कर दीजिए इंटू आप 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज में मिल जाएगा। तो ये खेला होगा 1 − e^λt × 100 है, 1 − e^λt। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सारी वैल्यू आप डाल दीजिए, लेमडा की वैल्यू ये डालिए और टी की वैल्यू आपको सवाल में वो बोली गई है कि 80 डाल दीजिए, तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करके कि कितनी आ रही है, यहाँ कर देते हैं, ये वैल्यू आ रही है आपकी 1 − e^1 − e^ कितनी है, मैंने कहा e^1/2000 × 80 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और इस वैल्यू को इंटू क्या करना है 100 का परसेंटेज में आ जाए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 3.9% आ रही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4%। तो अगर आपको नियरली इंटीजर में चाहिए एक्सप्रेस द नियरेस्ट इंटीजर परसेंटेज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4% हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये जो सन 2013 जेईई एडवांस का पेपर 1 का अपना जो डिस्कशन का खेला है, मतलब जो बातें हैं वो यहाँ पे खत्म हो रही है। तो आप देखिएगा भाई साहब, मिलते हैं पेपर 2 के डिस्कशन में, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।